Hi guys, in this video lecture we will discuss charge transfer spectra. देखिए DD transitions की वजह से हमको color of complex मिलता है. Crystal field theory में ये हम लोग discuss कर चुके हैं. लेकिन कई सारे cases ऐसे होते हैं जिसमें DD transition हो ही नहीं रहा है, D में कोई electrons ही नहीं present है, या DD transition possible नहीं है. ऐसे case में भी हमको color of complexes मिल रहे हैं और intense colors आ रहे हैं. तो इसका जवाब देता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा. हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के क्या क्या टाइप्स हैं, कौन कौन से टाइप्स से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं सीएसआईआर नेट गेट या आईआईटी जेम एग्जामिनेशन में. तो हम लोग सारा रीजनिंग इस पर डिस्कस करेंगे. इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गुड गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ आवर न्यू वीडियोज. Because I am regularly uploading the videos regarding CSIR NET, GATE and IIT JEE examinations. चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा. अलग अलग केस में मैं आप लोगों से पहले डिस्कस करना चाहूंगा कि आखिर में चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा हमको कितने टाइप से मिल सकता है. चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है क्या? सिंपली हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि मेटल और लिगेंड के बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होना. जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन चुका है उसके बाद फील्ड ऑर्बिटल्स और वैकेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होना. कैसे कैसे होता है चलिए ऑन बोर्ड हम इसको समझते हैं. देखिए मेटल और लिगेंड के बिटवीन बॉन्डिंग रहती है. कोई केस ऐसा हो सकता है कि मेटल और लिगेंड के बिटवीन जो बॉन्ड है उसमें जो लिगेंड है उसके पास फील्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो और लिगेंड के मेटल के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो. तो ऐसे केस में क्या होगा, मेटल के पास जो वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड से ट्रांसफर हो जाएंगे. तो इस टाइप के जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगे इसको हम कहेंगे लिगेंड टू मेटल. यहां पर कहां से कहां तक ट्रांजिशन हो रहा है, लिगेंड के ऑर्बिटल से मेटल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन हो रहा है, इसलिए मैं इसको कह रहा हूं लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर. क्लियर है? ये हमारा पहला टाइप का चार्ज ट्रांसफर हो गया. दूसरा टाइप का चार्ज ट्रांसफर मैं आपको यहां बता देता हूं. मान लीजिए कि मेटल है और लिगेंड है, इनके बिटवीन बॉन्डिंग है. मेटल के पास फील्ड ऑर्बिटल्स है, मेटल के पास फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, जबकि लिगेंड के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है. इस केस में क्या होगा, मेटल से लिगेंड में ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन्स का. इस टाइप के ट्रांसफर को हम क्या कहेंगे, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर. क्लियर है? शॉर्ट में इसको MLCT कहेंगे, MLCT. जबकि इसको क्या कहेंगे, लिगेंड टू मेटल को LMCT कहेंगे शॉर्ट में, LMCT. और दूसरा क्या हुआ, MLCT. तीसरा केस देखिए, तीसरे केस में क्या हो सकता है कि मेटल और मेटल के बिटवीन बॉन्डिंग हो. यदि मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा है जिसके अंदर मोर देन वन मेटल प्रेजेंट है, मेटल आइटम प्रेजेंट है, सेंट्रल मेटल आयंस दो है हमारे पास. इस केस में क्या हो सकता है, मान लीजिए कि कोई एक मेटल ऐसा है जिसके पास फील्ड ऑर्बिटल है और जबकि दूसरे के पास वेकेंट ऑर्बिटल है. तो यहां पर क्या हो रहा है, मेटल से मेटल में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है. तो इसको हम कह सकते हैं मेटल टू मेटल, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर. इसका और एक नाम है और इंटरवेलेंस, वेलेंस चार्ज ट्रांसफर भी इसी को कहते हैं. क्लियर है? ये तीसरा केस हो गया हमारे पास. फोर्थ केस, इस केस में देखिए मेटल और लिगेंड्स, मेटल और लिगेंड्स. देखिए लिगेंड्स यहां पर मेटल से मोर देन वन, मैंने यहां पर आपको बता दिए हैं. कोई लिगेंड ऐसा है जिसके पास फील्ड ऑर्बिटल है जबकि कोई लिगेंड ऐसा है जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है. तो इस केस में क्या होगा, लिगेंड से लिगेंड में एक ही मॉलिक्यूल के, एक ही कॉम्प्लेक्स के
दो लिगेंड मॉलिक्यूल्स के बिटवीन या दो लिगेंड एटम्स के बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है तो हम इस केस को कहते हैं लिगेंड टू लिगेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और इंट्रा लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। क्लियर है, ये हो गए हमारे फोर टाइप के चार्ज ट्रांसफर्स जिनके कारण हमको कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स मिलना है, जिसमें से दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर वन एलएमसीटी, नंबर टू एमएलसीटी। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा इन दोनों की वजह से भी मिलता है, इनके एक एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। देखिए इसका एग्जाम्पल है प्रूशियन ब्लू में जो कलर आता है वो मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर के कारण ही आता है। दूसरा इसका एग्जांपल इंट्रालिगेंड चार्ज ट्रांसफर का एग्जांपल है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये रेड कलर का होता है, ये रेड कलर आता है इंट्रालिगेंड चार्ज ट्रांसफर के कारण। ये सिर्फ एक एक एग्जांपल्स मैंने अभी आपको बताया, हम डिटेल में डिस्कस करते हैं क्या होता है। देखिए अब हम डिस्कस करें टाइप्स को डिटेल में, उससे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है वो लेपार्टे अलाउड होता है और स्पिन अलाउड भी होता है। जब लेपार्टे अलाउड होता है और स्पिन अलाउड होता है तो इससे हमको जो कलर मिलता है वो इंटेंस कलर मिलता है, और ये जो इंटेंसिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ ट्रांजिशंस। क्लियर है, जितने ज्यादा ट्रांजिशंस होंगे उतना ज्यादा इंटेंस चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा आएगा। ये जो नंबर ऑफ ट्रांजिशंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं फिजिबिलिटी ऑफ ट्रांजिशंस, कितनी आसानी से ट्रांजिशन हो उस पर डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ ट्रांजिशंस। और ये फिजिबिलिटी ऑफ ट्रांजिशंस है या आसान कैसे होंगे ट्रांजिशंस वो डिपेंड करते हैं एनर्जी डिफरेंस पर। एनर्जी डिफरेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फिजिबिलिटी। इसका मतलब हम ये डायरेक्ट कह सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी गैप बिटवीन ट्रांजिटिंग ऑर्बिटल्स। देखिए एक ऑर्बिटल ये है, एक ऑर्बिटल मान लो ये लिगेंड का ऑर्बिटल है लिगेंड, और ये ऑर्बिटल मेटल का है। यदि लिगेंड से मेटल में चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है तो इसको हम एलएमसीटी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? एलएमसीटी। इन दोनों ऑर्बिटल्स के बिटवीन जो एनर्जी गैप है उसको ही हम कह रहे हैं डेल ई। तो ये जब डेल ई जितना कम होगा उतनी इंटेंसिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा इंक्रीज होती चली जाएगी। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं सभी टाइप्स को डिटेल में, एलएमसीटी क्या होता है, एमएलसीटी क्या होता है, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर क्या होता है, और इंट्रालिगेंड चार्ज ट्रांसफर कैसे कैसे होते हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, या उसको हम कहते हैं एमएलसीटी, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। एमएलसीटी को डिस्कस करेंगे। देखिए मैं एमएलसीटी को डिस्कस करूंगा, एमएलसीटी के जो भी डाटा होंगे जस्ट अपोजिट डाटा होंगे एलएमसीटी के, तो दोनों हमारे लिए हो जाएंगे। एलएमसीटी को फिर हम डिस्कस नहीं करेंगे, एग्जांपल्स जरूर हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद थर्ड और फोर्थ टाइप को डिस्कस कर लेंगे डायरेक्ट। एमएलसीटी मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, देखिए मेटल बेस्ड ऑर्बिटल से लिगेंड बेस्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, मेटल से लिगेंड, ठीक है। मेटल से लिगेंड में जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है तो मेटल क्या करता है, मेटल अपने ऑर्बिटल्स की एनर्जी को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है, जबकि लिगेंड क्या करता है, अपने ऑर्बिटल्स की एनर्जी को थोड़ा सा डिक्रीज कर देता है। देखिए यहां पर पहले एनर्जी को हाई और लो करने से पहले इनकी जो एनर्जी थी उसको हम डेल्टा E1 कह देते हैं। क्या है? डेल्टा E1। जबकि यहां पर हाई मेटल की एनर्जी को हाई और लिगेंड की एनर्जी को लो करने के बाद जो हमको एनर्जी मिल रही है उसको मैं डेल्टा E2 कह देता हूं। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि डेल्टा
E1 is greater than delta E2. ठीक है, डेल्टा E1 इज ग्रेटर देन डेल्टा E2. डेल्टा E2 एनर्जी कम है, मेटल से लिगेंड चार्ज ट्रांसफर ज्यादा आसानी से हो, इसलिए ऐसा यहां पर हो रहा है कि चार्ज ट्रांसफर करने के लिए अपनी एनर्जी को मेटल इंक्रीज कर लेता है जबकि लिगेंड अपनी एनर्जी को डिक्रीज कर लेता है. क्लियर है? अब देखिए, यहां से हम लोग स्टडी करते हैं कि आखिर मेटल से लिगेंड चार्ज ट्रांसफर की फिजिबिलिटी ज्यादा अच्छी कब हो सकती है, या इसकी इंटेंसिटी एमएलसीटी की इंटेंसिटी बढ़ती किस किस केस में है. तो लिगेंड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम स्टडी करेंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम मेटल की स्टडी करेंगे. देखिए, लिगेंड में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, यहां पर सारा कुछ यहां पर मैं आपको लिख के बता देता हूं कि क्या क्या होना है यहां पर. देखिए, लिगेंड की एनर्जी लो होनी चाहिए, लिगेंड के जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी लो होनी चाहिए. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो गया लिगेंड का ये कि लिगेंड शुड हैव लो एनर्जी ऑर्बिटल्स. कैसे ऑर्बिटल्स होना चाहिए? लो एनर्जी के ऑर्बिटल्स होना चाहिए. दूसरा, मेटल से लिगेंड में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि लिगेंड के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होना चाहिए. लिगेंड शुड हैव वेकेंट ऑर्बिटल्स. ठीक है, जब वेकेंट ऑर्बिटल्स इसके पास होंगे तो हम क्या कहेंगे कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होनी चाहिए, या लिगेंड का जो एटम है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए. लिगेंड शुड हैव हाई ऑक्सीडेशन स्टेट. ये थर्ड केस हो गया. फोर्थ केस देखिए, मेटल से लिगेंड में चार्ज का ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा. इसका मतलब क्या है कि इट शुड बी इजीली रिड्यूसिबल. ये रिड्यूसिबल होना चाहिए. आसानी से ये रिड्यूस हो जाए, ऐसा ही कोई लिगेंड होना चाहिए. अभी मैं आप लोगों को लिगेंड की भी लिस्ट देने वाला हूं कि आखिर में मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर कौन कौन से लिगेंड्स में होगा, या मेटल या कोई भी कॉम्प्लेक्स जो हमको दिख रहा है उस या एग्जाम में जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है उसमें हम कैसे पहचानेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स में LMCT होगा या MLCT होगा. तो वो हमको लिगेंड से पहचानना होता है. लिगेंड के ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि यदि उसकी ऑर्बिटल्स की एनर्जी लो है तो वो MLCT देगा, यदि लिगेंड्स के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं तो वो MLCT देगा, यदि लिगेंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट या उसमें जो एटम प्रेजेंट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है तो वो MLCT देगा, यदि उस वो आसानी से रिड्यूसिबल है तो वो MLCT देगा. देखिए, जस्ट इसके अपोजिट मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स है. मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स मैं इधर लिख देता हूं. ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे लिगेंड के कैरेक्टरिस्टिक्स. अब मैं इधर लिख रहा हूं मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स. मेटल का क्या होना चाहिए? देखिए, मेटल इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है. यहां पर मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसकी एनर्जी हाई होनी चाहिए. इट्स मेटल शुड हैव हाई एनर्जी. इसके ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाई होनी चाहिए तब जाकर के MLCT फिजिबल होगा. दूसरा, यदि लिगेंड की वेकेंट ऑर्बिटल्स होना चाहिए तो यहां पर मेटल के पास क्या होना चाहिए? फील्ड ऑर्बिटल्स. मेटल शुड हैव फील्ड ऑर्बिटल्स. फील्ड ऑर्बिटल्स होना चाहिए.
यदि इसके पास फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे, मतलब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? लो होगी. मीन्स मेटल शुड हैव लो ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर एग्जाम्पल -1 और 0, ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट है. -2 भी हो सकती है. फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये जैसे लिगेंड रिड्यूसिबल होना चाहिए, तो ये ऑक्सीडाइजेबल होना चाहिए. मेटल शुड बी इजीली ऑक्सीडाइजेबल. क्लियर है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. मेटल आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाना चाहिए. मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट लो होना चाहिए. मेटल के पास फील्ड ऑर्बिटल्स होना चाहिए और मेटल के जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी हाई होना चाहिए. इन केसेस में एमएलसीटी की फिजिबिलिटी ज्यादा होगी. मीन्स इंटेंसिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर ज्यादा आने वाला है. ऐसे के ऐसे ही हम पूरा का पूरा ये जो मैंने डिस्कस किया मैटर, इसका जस्ट अपोजिट होगा एलएमसीटी में. एलएमसीटी में लिगेंड के कैरेक्टरिस्टिक्स आप अपोजिट कर देंगे, एलएमसीटी में आप मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स अपोजिट कर देंगे, तो आपके पास दोनों केस के कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे. अब मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं वो रीजनिंग जहां से क्वेश्चंस एमएलसीटी से पूछे जाते हैं. देखिए एमएलसीटी जैसा कि हमको यहां से डायग्राम से दिख रहा है कि जितनी ज्यादा मेटल और मेटल के ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाई होगी या जितनी कम लिगेंड्स के ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होगी, उतना ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे डेल ई डिक्रीज होता है, वैसे वैसे रिक्वायर्ड एनर्जी या रिक्वायर्ड रेडिएशन फॉर ट्रांजिशन भी डिक्रीज हो जाता है. एनर्जी भी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है. एनर्जी डिक्रीज हो जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि वेव नंबर भी क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है. वेव नंबर डिक्रीज हो जाता है. वेव नंबर डिक्रीज हो जाता है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है. फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है तो लैम्डा मीन्स वेव लेंथ इंक्रीज हो जाती है. ये वो रीजनिंग है जहां से क्वेश्चन बन सकता है एमएलसीटी पर. क्या मैंने कहा कि एमएलसीटी में जैसे जैसे एनर्जी डिक्रीज बिटवीन द मेटल ऑर्बिटल्स एंड लिगेंड ऑर्बिटल्स डिक्रीज होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रेडिएशन भी डिक्रीज हो जाती है, वेव नंबर डिक्रीज हो जाता है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है और वेवलेंथ क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. देखिए ये तो एक रीजनिंग का एक क्वेश्चन हुआ. अब दूसरा रीजनिंग का क्वेश्चन देखिए, ये आप लोग कॉपी करते जाएंगे, वीडियो को पॉज करके आप कॉपी करते जाएंगे. दूसरा रीजनिंग का क्वेश्चन क्या है? ये मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर है. मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, इसका मतलब क्या है कि इसको हम बैक बॉन्डिंग भी कह सकते हैं. बैक बॉन्डिंग, ठीक है, बैक बॉन्डिंग भी इसी को हम कहते हैं. मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर जब होता है तो इसको ही हम बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं. देखिए एमएलसीटी यदि इंक्रीज होता है, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर यदि इंक्रीज होता है तो बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होती है. बैक बॉन्डिंग इंक्रीज हो जाती है. बैक बॉन्डिंग यदि इंक्रीज हो जाती है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है. बॉन्ड लेंथ यदि डिक्रीज हो जाती है, इसका मतलब यह है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड ऑर्डर, पहले मैं लिख देता हूं, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाता है. बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाता है. बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाता है तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाती है. स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि रोटेशन बैरियर भी इंक्रीज हो जाता है. तो ये सारी की सारी
रीजनिंग है जहां से एमएलसीटी से क्वेश्चन हो सकता है, वो हमको कॉम्प्लेक्स देकर के बैक बॉन्डिंग चेक करवा सकता है, वो हमको कॉम्प्लेक्स देकर के बॉन्ड लेंथ चेक करवा सकता है, किसमें मेटल और लिगेंड के बिटवीन बॉन्ड लेंथ कम है ज्यादा है, क्या ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर, इन सब पर से रीजनिंग, ये सभी वो रीजनिंग है जहां से क्वेश्चन बन सकता है एमएलसीटी से। देखिए अब एलएमसीटी की यदि मैं बात करूं तो एलएमसीटी में ये सारा अपोजिट हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग वहां पर नहीं होगी, ये वाली रीजनिंग वहां पर नहीं आएगी, बैक बॉन्डिंग वाली रीजनिंग, बाकी सारी जो उसके पहले वाली रीजनिंग थी वो रीजनिंग यहां पर अप्लाई होगी। अब मैं सीधे थर्ड वाले पर आ जाता हूं जिसको हम कहेंगे मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। देखिए थर्ड है इंटरवेलेंस चार्ज ट्रांसफर या मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। यहां पर दो मेटल्स प्रेजेंट होती है कॉम्प्लेक्स के अंदर, एक का ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होता है, एक का ऑक्सीडेशन स्टेट लो होता है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट से हाई ऑक्सीडेशन स्टेट की मेटल में चार्ज का ट्रांसफर होता है। एग्जांपल्स मैंने यहां पर लिए हुए हैं, देखिए ये प्रूसियन ब्लू है, इस प्रूसियन ब्लू में और ये फेरिफेरोसाइनाइड में दोनों ही केसेस में हमको ब्लू कलर ऑब्टेंड होता है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर इन मेटल टू मेटल, मेटल से मेटल में चार्ज ट्रांसफर होता है। एक आयरन प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट, एक आयरन प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ब्लू कलर आ रहा है इस कॉम्प्लेक्स का, इसका नाम प्रूसियन ब्लू। यह है फेरिफेरोसाइनाइड, एक प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट, एक प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका भी ब्लू कलर आ रहा है। यह है इंटरवेलेंस चार्ज ट्रांसफर। अगला और फोर्थ है इंट्रालिगेंड चार्ज ट्रांसफर। इसका एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में जो हमको कलर आ रहा है रेड कलर, वो इसी के कारण आ रहा है, इंट्रालिगेंड चार्ज ट्रांसफर के कारण। एजोडाइज में भी इंट्रालिगेंड चार्ज ट्रांसफर के कारण ही हमको कलर आता है। पाई से पाई स्टार में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है जिससे हमको कलर आता है। तो ये है हमारे सारे टाइप्स ऑफ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, जिसमें एमएलसीटी, एलएमसीटी, इंटरवेलेंस चार्ज ट्रांसफर और इंट्रालिगेंड चार्ज ट्रांसफर, चारों को हमने डिस्कस किया। इंट्रालिगेंड चार्ज ट्रांसफर और इंटरवेलेंस चार्ज ट्रांसफर पर हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, कुछ एग्जांपल से ही मैंने आप लोगों को बता दिया, जबकि एमएलसीटी और एलएमसीटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उसका प्रॉपर नोट्स बनाइए, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए इसकी जो लिगेंड्स की मैंने आपको एक सीरीज बताई है कि एमएलसीटी कौन से लिगेंड्स होते हैं तब हम पहचानते हैं, एलएमसीटी कौन से लिगेंड्स होते हैं तब हमको मिलता है, तो वो लिस्ट मैं आपको हमारे फेसबुक पेज पर देने वाला हूँ। ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री हमारा फेसबुक पेज है जिसकी लिंक का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर के आप उस पेज को लाइक कर लीजिए। जो वीडियोस हैं उनसे रिगार्डिंग कुछ मैटर हैं वो मैं आपको उस पेज पर प्रोवाइड करते रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।